एक ऐसा किला जिस पर आज तक कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये वही किला है जिसमें 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व उनकी पत्नियों को सुरक्षित रखने के लिए शरण दी गई थी। ये किला 1700 फीट की ऊंचाई पर एक अरावली चोटी पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सुदर्शन गढ़ की, जिसका बाद में नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया था। आपको बता दें कि सन 1734 में राजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले की नींव रखी थी। किले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मराठों को बचाने के लिए किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि नाहरगढ़ भूमिया के नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा था। बताया जाता है कि राठौड़ राजा नाहर सिंह भूमिया शक्ति के रूप में आकर गढ़ के निर्माण कार्य में बाधा डालते थे। इस भयानक आत्मा की वजह से महल में कई तरह की गड़बड़ियां होने लगी और किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया था। इस किले में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर भी बना हुआ है। इस किले में माधो सिंह सेकंड ने अपनी नौ रानियों के लिए एक जैसे नौ महलों का निर्माण करवाया था। महल के कमरों को गलियारों से जोड़ा गया और महल के कुछ रोचक, कुछ कोमल भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक जैविक उद्यान भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको जंगली जानवरों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिसे नाहरगढ़ जूलॉजिकल नाम से जाना जाता है। इतना कुछ जानने के बाद इस किले को देखने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। यहाँ घूमने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये की टिकट नाहरगढ़ किला जयपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में मैंने नाहरगढ़ किले के इतिहास तथा रहस्य व घूमने की जगहों की पूरी जानकारी दी है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप यहाँ पहले घूमने आ चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा ज़रूर बताएं। जय हिंद।